हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। देखो मैं आज ये केक बनाया हूँ न्यू डिज़ाइन में। प्लीज़ वीडियो को फुल देखना। पहले मैंने स्पंज लिया, स्पंज को फिर कटिंग कर रहा हूँ। देखो किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। हर एक वीडियो में मैं पहले से बताता हूँ, तो सेम जैसा मैं कटिंग कर रहा हूँ ऐसा कटिंग करना। कटिंग नैप लेके पहले ऊपर साइड और नीचे साइड और साइड से भी कटिंग कर लेना। चारों तरफ से अच्छे से प्रॉपर ऑल साइड कटिंग कर लेना। उनके बाद देखो मैं वीडियो में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे उसके साइड से बताते जाता हूँ। तीन लेयर निकालना है इसमें, तीन लेयर कटिंग करना पहले। दूसरा हो गया तीन लेयर। नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा कट गया गलती से। अब जूस पिलाना, मैं बटर स्कॉच जूस पिला रहा हूँ। बटर स्कॉच का रस और शुगर सिरप, चीनी पानी, तीनों मिक्स करके अच्छा से जूस पिलाना है। अब मेरे को पाइपिंग बोलते ना वो पहनना चाहिए, हैंड कवर, लेकिन पहना नहीं मैं। अच्छा हाथ मेरा साफ है इसलिए मैं ऐसे करके करता हूँ। वो पन्नी पहनता हूँ ना ऊपर से, तो मेरे को दिक्कत होती इसलिए नहीं पहनता। तो मैंने बटर स्कॉच क्रश और बटर स्कॉच ये क्रश और बटर स्कॉच क्रंची डाल के मैंने लेयरिंग किया और व्हिप्ड क्रीम, तीनों मिक्स करके लेयर कर रहा हूँ। अच्छे से ऐसा लेयरिंग कर लेना आप अपने हिसाब से। लेयरिंग होने के बाद 10 मिनट फ्रिज में रखना। मैं तो वीडियो में नहीं दिखा तो कट कर देता हूँ। लेयरिंग हो जाना ताकि बेस सॉफ्ट हो जाए, अच्छे लगे, हिले ना चारों तरफ। अब व्हिप्ड क्रीम लिया, अब इसको मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ। देखिए कैसे फिनिशिंग करता हूँ। सेम आप धीरे धीरे करोगे, देख देख के भी सीख जाओगे। सिंपल है यार। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, केक कलाकार मेरा जो ये चैनल है। चैनल का नाम केक कलाकार रखा हूँ मैं, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा प्लीज़ मुझे। मैं केक को साइड से क्रीम लगा रहा हूँ। व्हिप क्रीम यूज करता हूँ, ये रिच कंपनी का है। रिच कंपनी का अच्छा रहता है इसलिए मैं ज़्यादातर ये रिच कंपनी का सब लोग यूज़ करते हैं। मुझे फिनिशिंग देना नाइफ से अच्छे से। मैं कटिंग नाइफ साइड में यूज़ करता हूँ हर एक वीडियो में, बोलता हूँ ज़रा फिनिशिंग अच्छा लगता है इसमें देने के लिए, तो कटिंग नाइफ यूज़ किया हूँ। ऊपर से भी कर लिया हूँ, बाद में भी फिनिशिंग कर दूँगा अच्छे से। आप अपने तरीके से जैसे अच्छा लगे वैसे तरीके से आप अपना नाइफ सेट कीजिए अपने हाथ पे। मैं तो बस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, तो जैसा अच्छा लगे वो हिसाब से बनाइएगा। फिनिशिंग देके हो गया। साइड से थोड़ा नीचे पट्टी मार देता हूँ ताकि वो नीचे का क्रीम ना लगे। बेस पे उठा लिया, बेस पे उठा लिया। जेल डाल रहा हूँ, रेड जेल, जो न्यूट्रल ग्लेज रहता है ना उसी को मिक्स करके रेड कलर डाल के ऐसा टमाटर रेड कलर डाल के ऐसा जेल बनाया मैं। अब इसको डिज़ाइन यूज़ कर रहा हूँ। हाफ डिज़ाइन रेड जेल कर रहा हूँ और हाफ वाइट में रख रहा हूँ। ऐसे जेल नाइफ को अच्छे से, जेल को नाइफ से ऐसा फैला देना चारों तरफ मस्त से। नीचे थोड़ा गिर गया, इसके लिए मेरे को थोड़ा इसको अलग टाइप का डिज़ाइन करना पड़ा है। देखिए साइड से मार दे रहा हूँ कि वो भी कवर हो जाए और ये भी लुक चला आए, कोई बात नहीं, अच्छा दिखेगा पूरा। हो गया। अब एक साइड लिया हूँ, कलर डाला हूँ और एक साइड वाइट क्रीम है पाइपिंग बैग पे। वो पहले कलर डाल लिया, उसके बाद वाइट क्रीम डाल के कटिंग करके ऐसा ऐसा झाल जैसा डिज़ाइन मार रहा हूँ। ये अच्छा दिखेगा कि तो इसके लिए ऐसा डिज़ाइन मार रहा हूँ मैं। आप चाहिए तो पूरा रेड क्रीम पूरा कलर बना के ऐसे ही मार सकते थे, लेकिन मैं रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन दिया हूँ, अच्छा दिखेगा। इसके लिए डबल मार रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम मारा तो ना गैप दिख रहा था ज़्यादा, तो इसके ऊपर से और एक बार मार दे रहा हूँ ताकि कवर हो जाए अच्छे से। हो गया। अब बॉर्डर मारूंगा नीचे, ये बॉर्डर मार रहा हूँ। वो अच्छा नहीं लगा तो वो हटा के फिर से मार रहा हूँ अच्छे से, थोड़ा वो कटिंग करके पाइपिंग को थोड़ा ज़्यादा कटिंग करके अच्छे से मार रहा हूँ। चारों तरफ से बॉर्डर मार दिया, राउंड बॉर्डर अच्छा दिखता है, इसलिए सिंपल मार रहा हूँ। ऊपर में भी मार दूंगा ताकि वो एक तरफ वाइट एक तरफ रेड दिखे, ऐसा हो गया। ओके अच्छे से आप फ्लावर बनाऊंगा। देखिए वैसा ही किया, एक क्रीम पहले कलर डाला, रेड कलर लिया और उनके बाद व्हिप क्रीम वाइट क्रीम एक तरफ साइड में, बस पाइपिंग बैग में डाल के और नोजल डाल के फ्लावर का नोजल डाल के ऐसा फ्लावर बनाया मैं। सिंपल है, आप लोग चाहे तो चक्री रहता है ना छोटा वाला उसमें भी बना सकते, लेकिन मैं ज़्यादा
ज़्यादातर स्टैंड का यूज़ करता हूँ, बड़ा स्टैंड इसमें, क्योंकि मेरे को हाथ बहुत अच्छा बैठा है इसमें, तो प्रॉपर बना लेता हूँ इसमें, उसमें भी बनाता हूँ लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं फर्स्ट कर लेता हूँ। और ताकि ऊपर से थोड़ा रेड कलर का फुसफुस मार दिया ताकि उसको रेड कलर ज़्यादा दिखे, वीडियो में कुछ ज़्यादा ही रेड दिख रहा है, पर थोड़ा कम मारना है, अच्छा दिखेगा फिर भी। अच्छा हिसाब से सेट कर लेना, मैं तो डेकोरेशन दे रहा हूँ ऐसा, देखो ऐसा कर रहा हूँ, फ्लावर सेट कर रहा हूँ अच्छे से, पहले 5 लगाया, देखो हिसाब से नीचे साइड भी लगा रहा हूँ, इधर फ्लावर कुछ ज़्यादा ही रेट लगने लगा, वीडियो में इतना रेट कैसे हो गया, इफेक्ट रहता है ना शायद उसके कारण ज़्यादा रेट हो, और एक फ्लावर लगा दूंगा, ये फ्लावर लगा दिया, ये मैं बाद में हटा देता हूँ, ये बहुत बड़ी लग रही थी, बाद में चेंज करके और फिर छोटा सा लगा दिया, वीडियो में वो नहीं दिख रहा, अब मैं डिजाइन मारूंगा ऐसा, अच्छा रेड रेड कलर का, सॉरी वाइट वाइट क्रीम भरा पाइपिंग बैग में, और ऐसा जलेबी के टाइप पे डिजाइन बना देता हूँ, ताकि एक तरफ रेड दिखे दूसरी तरफ वाइट मस्त लगेगा, इसलिए रेड के ऊपर वाइट और अच्छा दिखेगा, ऐसा मस्त डेकोरेशन कर देना आप, देखिए मैं कैसे डिजाइन मार रहा हूँ केक में, अच्छे से डेकोरेशन करोगे ना और अच्छा दिखेगा भाई, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस बार मैं लाइक कर रखा हूँ, ज़्यादा नहीं 5 ही रखता हूँ यार, आप लोग कर दो इतना, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो तो आप लोग फुल देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, कर दीजिए प्लीज़ भाई, कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अच्छा कर दिया, डिजाइन हो गया, उनके बाद मैं ग्रीन कलर का पाइपिंग रख के मार रहा हूँ, लिप्स मार रहा हूँ, देखिए कैसा बनाया, वो कलर विप क्रीम में ही मैं कलर डाल के ऐसा बनाया पैकिंग बैग पे, मैं तो फ्लावर लिप दे रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, रेड के अंदर ग्रीन अच्छा दिखता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, हो गया फाइनली हमारा केक रेडी है, देखो मैं बनाया आज ऐसा केक, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, प्लीज़ वीडियो को फुल देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना, थैंक यू यार सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो मेरे को, हर एक केक अच्छे अच्छे बना के लाऊंगा आप लोग के लिए, थैंक यू भाई लोग, तो सब्सक्राइब जरूर करना, ओके बाय।